और ये क्या शेफ? देसी घी। ये देसी घी आ गया, एकदम ही अलग लग रहा है। मैं तो हैंग ही हो गया। अच्छा, इतना खुश मैं कभी हुआ ही जिंदगी में यार। अच्छा ये है, इसको लेके बनाते हैं। अरे वाह, ये तो रूट है कोई, है ना? He's actually in the Indian Army. सर, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी पंजाब में पोस्टेड हैं और मैं भी पंजाब से हूँ। ये है वो खजाना जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं इतना जल्दी एक दिन एक्सटेंड करके। खोलिए सर। बस अब एक चीज है जो कल रह गई थी और उसकी वजह से हमने कोड़ीकोर में हमारा एक दिन जो एक्सटेंड किया। पैरागॉन रेस्टोरेंट में जब हम कल खा रहे थे उसके बाद हमने देखा भाई बिरयानी तो है ही नहीं, बिरयानी खत्म हो गई। इतनी ज्यादा मतलब फेमस है इनकी, इतनी ज्यादा चलती है कि बिरयानी खत्म ही हो गई थी जब तक हमने वो खाना शुरू किया। अब हमने सोचा अब क्या करें, तो वो कहते हैं आप कल आओ, सुबह आओ हमारे पास, जिस टाइम पे हम वो दम को खोलते हैं और उस टाइम पे आपको दिखाएंगे कि बिरयानी बनती कैसे। तो अभी भाई साहब चलते हैं और बिरयानी का जो अरोमा आपके साथ, कैसे सर? कैसे हैं सर? आपको दिखाते हैं कि बिरयानी का टेस्ट कैसा है और अरोमा कैसा है। आ जाओ मेरे साथ भाई साहब, भाग। हमें उन्होंने 11:15 बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए। 11:15 पे बोला था बिरयानी खोलते हैं और 11:19 हो गए। तो हमारी किस्मत जो है, मतलब यार हर जगह लेट हो जाते हैं, पता है क्यों? भी एडिट करना होता है, एडिटिंग की वजह से सारी दिक्कत आ जाती है। बट यार मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे होटल से सिर्फ 3 मिनट दूर है। Are you ready? Very ready. Excited? Very excited. You don't want to stand any? But देखने के लिए ना, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है दुबई से, यूएस से, वो यहाँ पे आके यहाँ पे बिरयानी जो है ट्राई करके गए। टेस्ट एटलस जो है इतना बड़ा अवार्ड दिया, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी। इतनी बड़ी हाइप है और हम उस शहर में लग से भाई बिरयानी ना टेस्ट करें, ऐसा हो नहीं सकता। वो बुल आ गया, बुल आ गया। एक बार फिर से किचन में हम आ गए हैं इनकी और भाई बिरयानी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिरयानी के लिए एक्साइटेड है। और इधर देखो भाई साहब, सबको ही एक्साइटेड है और हम आ गए हैं इधर दम। ओ वाओ मैन, ये है वो बिरयानी जिसकी मैं बात कर रहा था जो कल खत्म हो गई थी। और भाई आज हमें फाइनली मौका मिलेगा इसको खाने का और इसको ट्राई करने का। ये कौन सा वाला है? चिकन वेज मटन बिरयानी, शो मी। ओपन। ये जो मटन बिरयानी है ये हमारे सामने दम खोलेंगे। कमाल है यार, मजे आ गए। फुल एक्शन पैक्ड किचन है। बिरयानी राइस, बिरयानी राइस। भाई साहब इधर देखो, ये बैक टू बैक जो है बिरयानी की प्लेट जा रही है। इधर ये है बिरयानी जबरदस्त, कमाल की डाली डाली है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल। अब ये देखो लोगों के घर भी पैक होके जाती है केले के पत्ते के ऊपर। वो खजाना जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं इतना जल्दी एक दिन एक्सटेंड करके। खोलिए सर। ओ भाई, ओ द अरोमा इज मैजिकल, जबरदस्त यार, क्या बात है। द वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस। और अभी आपको दिखाते हैं कि खोल के इसके अंदर से कैसे मटन के पीसेस निकलते हैं। और ये राइस निकाल रहे हैं, इधर राइस अलग से निकाल रहे हैं। और ये पहला कट जो है वो लग गया बिरयानी में। वाह। और ये देखिए, ये बिरयानी के जो राइस है पहले निकाल रहे हैं ताकि प्लेट्स लगानी आसान हो जाए। और अभी आपको दिखाते हैं प्लेट्स कैसे लगाएंगे। भाई साहब इतनी बिरयानी तो पैक ही होके जा रही है, अभी तक प्लेट तो मैंने लगती दिखी नहीं है। भैया एक प्लेट भी लगा के दिखाओ ना, प्लेट एक प्लेट लगा के दिखाओ ना। ये देखो, ओ वाह 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 वाह। भाई साहब ये जो खुशबू आ रही है ना, जो अरोमा आ रहा है, इतना कमाल है, इतना बवाल है लिटरली। और ये देखो ऊपर से प्रेस करके और ये प्लेट रेडी। एक और दिखाइए सर, ये सबसे पहले मटन का पीस, उसके ऊपर ये थोड़ा सा मसाले वाले राइस, और ये अब आ गए जी एकदम जबरदस्त एरोमेटिक राइस। वाह कमाल कमाल। और ये चिकन की प्लेट लग रही है, ये देखो ये चिकन की प्लेट लग रही है। सबसे पहले चिकन वाला मसाला, ऊपर से मसाला राइस, और ये आ गए आपके स्टीम्ड राइस। कमाल है भाई, जबरदस्त। इधर देखो ये नेक्स्ट लॉट के लिए चिकन की तैयारी हो रही है, चिकन को पकाया जा रहा है। फुल ऑन हैपनिंग किचन है यहाँ पे, एक्शन वाली। ये नेक्स्ट लॉट के लिए तैयारी हो रही है, ये ऑयल लगा रहे हैं। हाँ पानी साफ कर रहे हैं।
भाई साहब ये पानी लगा रहे हैं, ये एकदम साफ कर रहे हैं साइड से ताकि मसाला जो है वो नीचे चला जाए, और जब ऊपर राइस आएंगे इसके तो राइस एकदम वाइट रहेंगे। और अभी भाई साहब इसको लेके जाया जाएगा साइड में, और यहाँ पे लगेगा जी इसको दम। ये क्या बात है, यहाँ पे देखना अभी आपको दिखाते हैं इसको दम कैसे लगाएंगे। ये आ गया राइस का एक भगोना बड़ा वाला, अच्छे से चिकन को और हिला के चला के अच्छे से। और अब राइस लगने शुरू, वाह। और भाई साहब अब राइस से भर दिया जाएगा इस पतीले को, और ऊपर से फिर दम देखते हैं कैसे लगाते हैं। What kind of rice is this? कईमा राइस, वेस्ट बंगाल। वाओ, कईमा राइस है जी, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। और ये देखो बिरयानी भाई, इसको दुनिया की बेस्ट बिरयानी बोल रहे हैं। और ये क्या शेफ? देसी घी। ये देसी घी आ गया, और ये ऊपर से बरिस्ता, वाह कमाल है भाई साहब। और ये ऊपर से एक और लेयर राइस का, ये बंगाल से आए हुए राइस, बहुत बढ़िया। साहब अब देखो इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया है, ये बिरयानी का प्लास्टर हो गया भाई अच्छे से। चेफ ये क्या है? देसी घी। और भाई कमाल है, गरम पानी। ये आ गया थोड़ा सा ऊपर से गरम पानी, अब लगेगा यहाँ पे साइड पे आटा। भाई साहब ये बहुत रेयर साइट है, पैरागॉन की बिरयानी की जो प्रेपरेशन है अभी तक शायद आपने इंटरनेट पे भी नहीं देखी होगी, बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है देखने का। और भाई ये आ गया ऊपर से कवर, और ये कर दिया दम। ये देखो भाई साहब कोयले पे बिरयानी बन रही है, और ऊपर भी इसके गरम गरम कोयला जो है वो डाल दिया है, चारों तरफ से हीट आएगी, अंदर भी नीचे भी कोयला जो है वो डाल रहे हैं ताकि इसके चारों ओर से इसको हीट मिले। और टोटली जो बिरयानी है भट्टी पे कोयले पे बन रही है, कमाल है भाई। इस रेस्टोरेंट में आप जहां देखोगे आपको राइस या बिरयानी ही नजर आएगी। कौन सी बिरयानी है सर? ये फिश बिरयानी है भाई, दिखाइए एक दो पीस दिखाइए। ओ वाह वाह वाह, ये देखो ये फिश बिरयानी है भाई, कमाल है, जबरदस्त। और ये राइस डाल के इसको एकदम दबा देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, ये कमाल। ये जो आग जल रही है ये कोयले की आग है, भट्टी की आग है, इसके ऊपर अब जो नेक्स्ट लॉट है वो आएगा। और अभी आपको शेफ जो है अपने हाथों से मटन बिरयानी की प्लेट जो है वो दिखाते हैं। ये देखो ये आया जी मटन के ये पीसेस, ये चाप का पीस है, और इसके साथ ये एक और गोल पीस लग रहा है, तो मसाला, एंड देन दिस इज द बिरयानी। ओ हो द बिरयानी राइस, ओ वाह 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 वाह, क्या बात है, एपिक एपिक। ये देखो भाई ये है केरला बिरयानी, दिस इज केरला स्टाइल बिरयानी, राइट? सुपर्ब।
तो भाई साहब सबसे पहले तो साइड जो है वो आ गई है, ताकि बिरयानी का जो इंतजार है और ज्यादा शिद्दत से करो आप, आराम से इत्मीनान से बिरयानी का इंतजार करो। ये चार तरीके की साइड्स हैं, साथ में पापड़ है, ये अचार है, ये एक दूसरे तरीके का अचार है शायद, और ये साथ में नारियल चटनी है। नारियल चटनी बिरयानी? हाँ हाँ बिरयानी यार, साउथ इंडिया केरला में है तो केरला में तो नारियल चटनी आएगी। यहाँ का जो अचार है ना, हाँ, तो अचार है इतने स्वाद, इनके नींबू का अचार, हाँ ये कहते हैं नींबू का अचार, दूसरा मिर्ची का, हाँ मैं जहाँ भी जाऊँ हर जगह पूछ रही हूँ अचार अचार में। ये रायता है, एक बार चला के दिखाना, ये देखो चला के दिखा रहे हैं आपको, रायता है ये मिक्स वेज वाला, और साथ में पापड़ है भाई, फ्रेश पापड़ एकदम, और आज 12 बजे बिरयानी खा रहे हैं भाई साहब, जबरदस्त। ये है चीफ गेस्ट, सर आइए सर, आपका इंतजार था, आइए लाइए सर। तो ये है जी हमारे चीफ गेस्ट, सर दिस वन इज मटन, ये मटन बिरयानी है भाई, ओहो कमाल, एंड इसके साथ ये चिकन बिरयानी, वाह बहुत खूब यार। तो ये चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, इसके साथ ये है जी इसकी साइड्स, और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वाइब। बिरयानी सर्व करते हैं, सबसे पहले तो ये मैं प्लेट थोड़ी साथ में सटा लेता हूँ, ये मटन का पीस का सिल्वेट दिख रहा है, ओ ये चिकन है, वो मटन बोल रहे थे बट ये चिकन है, मुझे लग रहा है वो लेफ्ट राइट वाला सीन हो गया। और इसके साथ ये राइस आ गए, एंड भाई साहब सर्व तो हम चम्मच से करें बट खाएंगे हाथ से, भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बढ़िया सा पीस होगा, ये चांप का पीस नहीं, ये गोल पीस है, और इसके साथ नीचे से मसाला लेते हैं भाई, ये लो ये मसाला आ गया, और ये एक पीस और मटन का, क्योंकि भाई साहब मटन तो ज़रूरी है ना बिरयानी में, है ना, सबसे पहले यहीं से, ओहो भाई गर्मा गर्म है, एंड ये देखो भाई मटन कितनी अच्छे तरीके से पकाया हुआ है, और इसके जो रेशे हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं, बट थोड़ा ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा। ये देखो मटन का पीस एकदम रेशेदार है, अंदर लेयर जो हैं पूरे अच्छे से पक चुके हैं, ये देखो ओहो कमाल लग रही है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से मटन का बड़ा सा पीस लेते हैं, और इसके साथ ये राइस लेते हैं, एंड हियर इज बनी चीटिंग करी थोड़ी सी है तो ज़्यादा मटन ही, बट भाई ट्राई करते हैं। अभी तक मैंने, मुझे लग रहा था जो बेस्ट बिरयानी खाई है वो लखनऊ की है, सेकंड नंबर पे आ गई है यार वो। हैदराबाद जाना भी होगा बट भाई साहब एक्चुअल में हैंड्स डाउन मेरी लाइफ में मैंने बेस्ट बिरयानी जो खाई है वो यही वाली है। चिकन भी ट्राई करते हैं। वाह। अच्छा राइस का दाना दाना जो है वो एकदम खिला हुआ है, और इसमें एक एक दाने में फ्लेवर है, देसी घी का, केवड़े का, और भाई साहब खड़े मसालों का, और जितना फ्लेवर है एक एक बाइट में आ रहा है, और मीट इतने अच्छे से भुना हुआ है, मैं फैन हो गया यार। जायकों के सफर में निकले हैं, और जहाँ सबसे कम एक्सपेक्टेड था वहीं पे घर बन गया यार, ऐसा लग रहा है यहीं पे अपना घर बना लूँ कोई कोर में, और यहीं पे रहूँ, इतना बढ़िया माहौल, इतने बढ़िया लोग, और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट इतना बढ़िया खाना, और आपके अपने हरिया के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत कमाल है। अगर जन्नत के नज़ारे लेने हैं भाई साहब, ज़बरदस्त एकदम ज़बरदस्त बिरयानी खानी है तो यहीं पे आना। भाई साहब इतना खुश मैं कभी हुआ ही नहीं ज़िंदगी में यार। मुझे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो मिल गई है, मेरे हिसाब से अगर किसी को हॉलीडे लेना है ना और खाने का शौकीन है तो भाई कोड़ी कोड़ आओ,
और यहाँ पे पैरागॉन की बिरयानी खाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में दिखाई हैं, बट भाई साहब ये खाओ। वाह, आप यहाँ के हैं, यहाँ की बिरयानी अच्छी है पक्का, और क्या अच्छा है, फुल टेस्ट। और मैंने सुना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग इसको, इस रेस्टोरेंट। आपका नाम? देवी। अरे वाह देवी जी, आपका नाम? रवीना। थैंक यू। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातों भी यकीन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो ये देखो, ये matrubhoomi.com कोड़ी गोड़े इस पैरागॉन बेटर पोजिशन इन टेस्ट एटलस रैंक्ड 5th बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड बेरली मंथ्स आफ्टर बीइंग रैंक्ड 11th टॉप द वर्ल्ड टॉप 150 रेस्टोरेंट्स इन टेस्ट एटलस एन एक्सपीरियंशियल ट्रैवल ऑनलाइन गाइड हैज नाउ बेटर्ड इट्स रैंकिंग। इधर देखो, पैरागॉन इज प्लेस 5th With tremendous praise lavished on the restaurant's biryani. सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, इंडिया के सिर्फ दो रेस्टोरेंट्स हैं इन दिस लेटेस्ट रैंकिंग, टू इंडियन रेस्टोरेंट्स, पैरागॉन इन कोड़ीकोड़े एंड टुंडे कबाबी इन लखनऊ। इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पे सर्च करना, आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। यहाँ पे इतनी जो भीड़ है, जो वेटिंग लगी हुई है 12:30 बजे, वो किसी कारण से। और भाई साहब, कोड़ीकोड़े में एक और बहुत जबरदस्त कल्चर है या ट्रेंड है, यहाँ पे शरबत बहुत कमाल का मिलता है, और बहुत पुराना यहाँ पे एक जैसे लोगों की आदत है शरबत पीने की। ये देखो, ये शायद सोडे वाला कुछ शरबत है। सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू मेकिंग? ये क्या बना रहे हैं? शरबत। आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा थोड़ा। ओके, परफेक्ट। तो अभी मैंने जानना था कि कितना पुराना कल्चर है ये आप पसंद करते हैं? मैं भी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, जब मैं छोटा था तब से ये दुकान चली रहा है। जब आप छोटे थे तब से चल रहा है? मतलब मिल्क शरबत के नाम से ये फेमस है। कौन सा शरबत? मिल्क शरबत। मिल्क शरबत फेमस है। और इसमें क्या होता है? मीठा होता है बस? एक शरबत होता है और उसके अंदर दूध डालता है। अच्छा, इनका टिप्स क्या है हमें नहीं पता, जो जी 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 इधर आता है, जो सीक्रेट है वो आपको भी नहीं मालूम। इसमें क्या क्या डालते हैं सर? 70 years। ओ वाओ, 70। सात वाला बचपन में ये दुकान उस घर में था। अच्छा, अभी इनका पापा जी इस घर गए तो ये अभी स्टार्ट करके गए। ओके, तो पहले ये शॉप नेक्स्ट वाला था, अभी ये। इसमें आप क्या डालते हैं? मीठा, चीनी? मीठा किसका है? चीनी का है, गुड़ का है, जागरी? पौधा होता है, नन्नारी बोलते हैं। नन्नारी का पौधा होता है, उसको बनाते हैं, जैसे बर्तन में डाल के उसको जी लोग बनाते हैं। अरे वाह, रस निकालता है क्योंकि वो उधर आप बताए करोगे। ओके, वैसे रस निकाल के उसके अंदर डालते हैं। अरे वाह, ये देखो, ये नन्नारी पौधा होता है, उसका रस है। ओ वाह 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 वाह। और इसमें दूध डालते हैं अलग अलग? ये देखो भाई साहब, अलग अलग है, लाइम सोडा है, मसाला सोडा है, रेगुलर सोडा है, मसाला सोडा शरबत है, मिल्क शरबत है। सबसे बेस्ट कौन सा है? फेमस मिल्क शरबत है। मिल्क शरबत, तो सर हमारे लिए भी दो बनाइए, मिल्क शरबत 2। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ग्लव्स पहने हुए उन्होंने, और यहाँ पे देखो अभी दूध शरबत बनेगा। भाई साहब क्या जबरदस्त कल्चर है कैलिकट का, इतनी बढ़िया। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आपको बाहर के ब्रांड्स नहीं नजर आएंगे, जो लोकल ब्रांड्स हैं लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, अपने ब्रांड्स को, अपने भारतीय ब्रांड्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये देखो, एक तो लाइम वाला बन रहा है, इसमें नींबू अच्छे से दबा के उसका सारा जो है पल्प निकाल के। वाह सर, ये जो पौधा होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चरस बिरला। जो सर है वो हमें दिखाने वाले हैं गूगल करके कि ये कौन सा वाला पौधा होता है। अच्छा, ये है नन्नारी? इसको लेके तो मनाते हैं। अरे वाह, ये तो रूट है कोई, है ना? सरसा पिल्ला। यहाँ पे कोड़ीकोड़े में आके ना एकदम ही यूनिक चीजें देखने को मिली हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे भारत की चीजें हैं सारी, ये हमारा इंडियन कल्चर है। आपको कौन सा पसंद है? विच वन डू यू लाइक? ये देखो, ये मिल्क शरबत हमारे लिए रेडी है यार, थैंक यू। एंड ये मिल्क शरबत 25 रुपीज का है, तो ये दूसरा एक सेकेंड ना, ये नन्नारी का मिल्क शरबत है, एकदम ही अलग लग रहा है। इसमें जो मिठास है चीनी की नहीं है, एक प्लांट की है, नन्नारी प्लांट की। हियर इज अ सिप। मैं तो हैंग ही हो गया। भाई साहब एकदम ही अलग मिठास है, एकदम ही अलग, और हल्का सा फ्लेवर ना इसमें भी नारियल का आ रहा है, आई डोंट नो हाउ,
बट हल्का सा नारियल का फ्लेवर आ रहा है। कमाल। वाह। रुपेश जी जिन्होंने हमें यहाँ पे समझाया कि शरबत कौन सा होता है, ही इज एक्चुअली इन द इंडियन आर्मी। सर सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका और मेरा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप भी पंजाब में पोस्टेड हैं और मैं भी पंजाब से हूँ। सर अमृतसर में पोस्टेड हैं और मैं लुधियाना से हूँ। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। और आप देश की सेवा कर रहे हैं सर, थैंक यू, जय हिंद। सबसे पहले तो आप ये देखो, श्रीनगर, जम्मू, लुधियाना, अम्बाला, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, नासिक, मुंबई, इसके बाद पुणे और कोल्हापुर हमने ऐड किया, उसके बाद गोवा, मैंगलुरु, कोड़िकोड और भाई कोची, सेकंड लास्ट सिटी जो है इस तरफ की जर्नी की, आज हम जाने वाले वहां, और इसके बाद हम जाने वाले कन्याकुमारी। तो फुल एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा जबरदस्त सफर रहा है फिलहाल, बहुत मजा आया अभी तक। तो अब और ज्यादा मजा आने वाला है, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है, सनसेट होने में एक दो घंटे बाकी है, तो काफी कुछ दिख जाएगा। 5:30 बज रहे हैं, वीडियो आ चुकी होगी, आपने देख ली होगी, और भाई हम आगे चल, 602 किलोमीटर जो है गाड़ी में फ्यूल बाकी है, 10:56 पे हम पहुंचेंगे, 5 घंटे और 28 मिनट। चले? Yes. All right. मतलब जैसे मेरे मुंह में पानी आता ना, वैसे मेरी आंखों में पानी आ गया इसको देख के। कमाल कमाल। बार 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 ऐसे पुल आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें पानी को देखने का और इस सागर को देखने का और सनसेट को देखने का मौका मिल रहा है। क्या जबरदस्त वाइब है यार, ये कोस्ट देखो, ओहो। फिर यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए रुके थे, त्रिशूर सिटी है, होटल पहावान है यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में, ये है कुछ ऐसा करके, और मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे है, ये एंगंदियूर ऐसा करके लिखा हुआ है, पर इन्होंने बोला है कि त्रिशूर है सिटी का नाम। हम यहाँ कोहिकोड़ से चले थे और कोची के आधे रास्ते पे रुके हैं। ये देखो इन्होंने यहाँ पे ना ये हनी दिया है, ड्राई फ्रूट्स में मिक्स किया हुआ, इतना प्यारा जेस्चर है यार। यहाँ पे लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, उन्होंने ये दिया है कि आप ये ट्राई करो जब तक आपका खाना आता है। गाइज हमारा खाना जो है वो आ गया है, भाई साहब मुझे मना किया गया बोलने से, इसलिए मैं गाइज बोलूंगा। अरे साथ में ये क्या है? चना मसाला, साथ में राइस, और ये है वेज कोरमा, और ये क्या है? ये है पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला, भाई साहब कमाल ही हो गई है, नेक्स्ट लेवल के स्वाद जो है आज आने वाले हैं। ये आ गए जी राइस, और ये मोटे वाले राइस हैं, ये साउथ इंडियन स्टाइल के राइस है, मिक्स वेज, उसको नारियल की ग्रेवी में जो है इन्होंने सर्व किया है, और इसके साथ ये भाई साहब चना मसाला आ गया साथ में, ये इधर डालते हैं ना। ओहो हो, आज कितने दिनों बाद पनीर बटर मसाला। लो जी, नॉर्थ इंडियन खाना भी ढूंढ लिया हमने यहाँ पे केरला में। लो ये डाल के अच्छे से, सबसे पहले तो ओए होए होए होए, गर्मा गर्म एकदम ऐसा लग रहा है सीधा। यहाँ के पनीर बटर मसाले में भी ना नारियल डाला हुआ है, बहुत कमाल टेस्ट आ रहा है यार। ये चना मसाला, क्यों सिपाही, क्यों गोश्त, क्यों गोश्त। चना मसाले में राइस और कड़ी पत्ता, कमाल है भाई। मुझे राइस से प्यार हो गया, पता है क्यों? एक तो दाना दाना जो है ना वो खिला खिला रहता है, एक एक दाना एकदम खिला हुआ है। मज़ा आता खा के। और ये कोरमा, ये कोरमा भी अच्छे से मिक्स, एंड क्यूज बाइट। अब यहाँ पे भावान होटल है त्रिशूर में, और क्या जबरदस्त खाना है यार यहाँ का। इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और ये देखो भावान रेस्टोरेंट है, और लोकेशन मैंने आपको दिखा दी थी, आप गूगल करोगे तो आएगा। भाई साहब इस टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं, और एप्पल स्टोर, ये लूलू मॉल आ गया लेफ्ट में देखो। भाई साहब रात को 12 बजे यहाँ पे सारे मॉल्स
और पता नहीं क्या सब कुछ खुला हुआ है यार, कमाल होगी। ये इधर ये कोई रेस्टोरेंट है, बेकरी है, ये खुली है एंड यहाँ पे एक्चुअल में लोग बैठे हैं भाई। ये देखो ये होम सेंटर खुला है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कोची और बाहर ऑटो रिक्शा खड़े हैं। 12:05 हो रहे हैं और इधर देखो ये सारे मॉल, शॉपिंग सेंटर सब खुला है। बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव शहर है, फर्स्ट इम्प्रेशंस तो बहुत कमाल है, एकदम सारे स्टोर सब कुछ खुला है। और पीछे एक वॉल्वो का स्टोर था, हॉलिडे इन को एच इन लिखा हुआ है क्योंकि ये इन का गेट है। सही है भाई, सही है भाई साहब। ये भाई साहब के बिना ना मजा नहीं आता भाई साहब। हम पहुंच चुके होटल और भाई साहब कह के ना एकदम फील आ जाती है, बट हम होटल पहुंच गए और रूम में चेकिंग करने वाले हैं। कुछ इस तरीके की इनकी लॉबी, बालकनी है, लॉबी नहीं है, कॉरिडोर, कॉरिडोर। देखो इतना करी तो लगा, मैंने जानबूझ के किया, पढ़े लिखे बंदे दे हाथी उनके कम। सबसे पहली बात, इधर कालीन है और इधर टाइल है, तो रूम का साइज काफी बड़ा है और हमारे लिए यहाँ पे चॉकलेट्स रखी हैं, क्या बात है। और इधर भैया क्या है, इधर है जी, ओ वाह, ये व्यू 8th floor से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है कोची का। और मेरा मन कर रहा है कल का दिन रेस्ट करूं, बट भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारा मन है कल बढ़िया कंटेंट शूट करने का, मन नहीं है सॉरी, कल जरूरत है बढ़िया कंटेंट शूट करने की। अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और भाई साहब आपको मिलते हैं कल। तब तक के लिए जिंदाबाद, पंजाब, हिंदुस्तान, जय हिंद। मेरे दिमाग में अभी आया, ये तो आया, मैंने रूम टूर भी देना है। डियर मिस्टर सिंह, वेलकम टू हॉलीडे इन कोचिन, थैंक यू, फ्रॉम रिगार्ड्स फीमो बाबू। थैंक यू सो मच फीमो, एंड आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। और अभी आपको रूम टूर फटाफट से दे देते हैं। दो तरीके के पिलोज हैं, सॉफ्ट और फर्म, ये लैम्प है, टेबल है। और भाई साहब सोनम को फिर ऐसी साइड मिली है जहाँ पे चार्जर नहीं, नहीं है, ये कवर्ड है, कवर्ड टू बेसिक, आम जो नेसेसिटीज होती है बस वही बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है। शावर बड़ा है यहाँ पे और भाई साहब कुछ इस तरीके का अपना वॉश एरिया है। और ये है जी शावर, शावर ठीक है, मतलब एक मिनट बताता हूँ आपको, एक एक दो तीन चार पांच साढ़े पांच छह गेट का शावर है। मैं निकल जाऊ बस, टाइट है थोड़ा, 6 गेट का शावर है मेरे। ते क्या बनाने लगे हो? मैं क्या पीती हूँ? नशे, कौन से नशे करते हो आप? ओ यार ये कैसे जफ्फी की तरह खुल गया, ये देखो जैसे जफ्फी होती है ना, जफ्फी पाने वाला। ये देखो अंदर कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं हम अपना भर लेंगे।